हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की जो कि वाइजैक स्टील प्लांट की तरफ से रिलीज की गई है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। इन टोटल 319 पोस्ट यहां पे रिलीज की गई हैं। कंप्लीट डिटेल्स इस वैकेंसी की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरी रीजन एकेडमी ऐप के पर उन सभी के लिए वैलिड है। तो दोस्तों, जान लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स। ये वैकेंसी यहाँ पे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की तरफ से रिलीज की गई है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की तरफ से। 319 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है ट्रेड अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के लिए। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड गिवन है फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, मशीन टूल, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और भी यहाँ पे वैकेंसीज गिवन है। इनका यहाँ पे ब्रेकअप भी गिवन है गाइस कैटेगरी वाइज, और टोटल वैकेंसीज भी आपके यहाँ पे बताई गई है पोस्ट वाइज। जैसे फिटर की 80 वैकेंसीज दे ली है, उसके बाद इनका ब्रेकअप भी गिवन है। 319 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है। मंथली यहाँ पे इनकी स्टाइपेंड भी गिवन है, 8,050 रुपीज स्टाइपेंड रहेगी आपकी वो फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, उसके बाद मैकेनिक, मशीन टूल, मेंटेनेंस के लिए रहेगी और मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के लिए रहेगी। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए यहाँ पे 7,700 रुपीज आपकी मंथली स्टाइपेंड रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एज क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, पहले एज लिमिट मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 25 इयर्स। ये क्राइटेरिया 1 अप्रैल 2022 को फुलफिल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ITI पास होनी चाहिए आप लोग विद NCVT सर्टिफिकेट इन कंसर्न ट्रेड। जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड के अंदर आपके पास NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। नोट, यहाँ पे एक चीज और नोट करनी है आपको, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप, सिमिलरली ये चीज लिखी हुई है कि अगर आप लोगों ने पहले ही 1 साल की अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे गाइस यहाँ पे कंसेशन वगैरह भी गिवन है इस लिमिट के अंदर, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। ड्यूरेशन क्या रहेगा आपकी ट्रेनिंग का, 1 ईयर ड्यूरेशन रहेगा, नॉर्मली 1 ईयर ही रहता है ड्यूरेशन ट्रेनिंग का। उसके बाद गाइस प्रोसेसिंग फीस की बात करेंगे, 200 रुपीज प्लस 18% GST यहाँ पे UR कैटेगरी कैंडिडेट को देना पड़ेगा। OBC एंड EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको 100 रुपीज प्लस GST 18% यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फॉर SC ST PWD कैंडिडेट को भी आपको फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये भी लिखा हुआ है दी फीस शैल बी रिमिटेड थ्रू पेमेंट गेटवे, आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही अपनी पेमेंट कर पाएंगे। सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस वुड कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी 120 मिनट्स, 32 आवर्स ड्यूरेशन। यहाँ पे आपको 2 घंटे का टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 4 आपके ऑप्शन होंगे। MCQ टाइप आपका टेस्ट होने वाला है। टेस्ट से रिलेटेड डिटेल जान लेते हैं, 150 टोटल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अब ये 150 जो आपके क्वेश्चंस होंगे इसमें से एक तो आपका एप्टीट्यूड सेक्शन होगा और दूसरा आपका टेक्निकल सेक्शन होगा। जो एप्टीट्यूड सेक्शन होगा उसमें 75 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके जनरल नॉलेज, वर्किंग इंग्लिश और उसके बाद आपके यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के होंगे। टेक्निकल होगा आपका पेपर, जो भी आपकी टेक्निकल नॉलेज है जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी का जो ITI में आपका सिलेबस आया था गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 150 मार्क्स का ही आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, 120 आपको मिनट मिलेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। बाइलिंगुअल होगा, यहाँ पे इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज में ही आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइदर आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना पड़ेगा या फिर आपको सॉरी तेलुगु या फिर आप इंग्लिश में ही कर सकते हैं, तो तेलुगु और इंग्लिश में ही आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग तेलुगु में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो इंग्लिश में ही आपको अटेम्प्ट करना होगा, ये चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आगे गाइज, अब आप लोग इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कहाँ से अप्लाई करेंगे, सब कुछ अब इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको apprenticeshipindia.org ये पोर्टल पे अपने आपको रजिस्टर करना होगा विच इज मैंडेटरी। अगर आप लोग रजिस्टर नहीं किए हुए हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग को फिर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.wisecsteel.com इस पे जाकर के अप्लाई करना होगा। 2 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त के बीच में आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 अगस्त लास्ट डेट रहेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, आपके यहाँ पे टेंटेटिव डेट बता दी है जो कि 4 सितंबर है, तो 4 सितंबर को आपका यहाँ पे टेस्ट भी हो जाएगा। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो।
सभी दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।